नेमत जिंदाबाद, अर्जी शादो आबाद, यानी पाक सरजमीन के बसने वालों को सलामे आजादी। मेहमानाने गरामी, 27 रमजान मुबारक, 14 अगस्त 1947 की जो सुबह तलू हुई वो पुरनूर जरूर थी, मगर 14 अगस्त 1947 की शाम 7 लाख मुसलमानों, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों के मुकद्दस रूह से खून आलूदा थी। ये कैसी शाम थी जिस तरह सितारे भी सोगवार थे, मेहताब भी लरजा परंदाम था और शायर नासिर काज़मी को कहना पड़ा था, गली गली आबाद थी जिनसे कहा गए वो लोग, गली गली आबाद थी जिनसे कहा गए वो लोग, धरती अब के ऐसी उजड़ी घर घर फैला सो। जी हाँ, हम इस आजाद वतन जहाँ 3 दिन बाद ईद उल फितर की हार सुनाई देने वाली थी, मगर ईद मनाने वाले मुसलमानों को नया देश मिल चुका था, उनके अजीज रिश्तेदार उनके अपनों के छीन जाने का काम उन्हें मुहर्रम मनाने की तजवीज दे रहा था। बकौल अहमद फराज, जो नेज़ों पर थे मारे गए, तारीकी में जो मारे गए उनको कैसे बुलाते हो, किसका जश्न मनाते हो। जी हाँ मौसे सामईन, आज मुझे कहने दीजिए कि मैं झटकियाँ लगाकर बैच लगाकर गरज ना नारे सुनाकर क्या हम आजाद कम है। गुलामों की भीनी भीनी महक के पीछे कुर्बानी देने वालों की खुशबू भी पोशीदा होती है। आज मुझे बस यही कहना है कि जश्न आजादी मनाते वक्त धरती में जाने फिदा करने वालों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा खून भी